दोस्तों अगर आप SWP में इंटरेस्ट रखते हैं तो ये वीडियो काफी इंटरेस्टिंग होने वाला है, क्योंकि मेरा एक जो व्यूअर है दीपरा चैटर्जी उसका नाम है, उसने पूछा है एक सवाल, 7 लाख SWP से मंथली कितना मिलेगा दादा, मतलब कितना पैसा हम लोग 7 लाख रुपए से निकाल सकते हैं SWP के जरिए म्यूचुअल फंड के अंदर से। तो चाहे 7 लाख हो, चाहे 10 लाख हो, चाहे 50 लाख हो, आपके पास कितना भी कॉर्पस है उसमें से SWP का कितना अमाउंट कराना चाहिए, वो चीज आपको डिटेल कैलकुलेशन के साथ में पूरा टेक्निकल एनालिसिस का साथ में ये वीडियो में बताऊंगा। बस आपसे एक छोटी सी रिक्वेस्ट है, वीडियो पसंद आएगा तो लाइक जरूर कर देना, साथ में चैनल को सब्सक्राइब कर देना ऐसे ही पर्सनल फाइनेंस रिलेटेड वीडियो के लिए। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है गिरधर। चलिए दोस्तों वीडियो शुरू करते हैं। दोस्तों यहां पे हम दो केस स्टडी लेने वाले हैं। आप इधर तो स्मॉल टर्म इन्वेस्टमेंट करना चाहते हैं या लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट करना चाहते हैं अपना लमसम अमाउंट का, तो यहां पे दो चीज हम लोग लेके चलते हैं। 7 लाख रुपए आपके पास है, तो अगर लॉन्ग टर्म के लिए सोचे कि आपको ये इन्वेस्टमेंट लॉन्ग टर्म के लिए करना है 7 लाख रुपए का, लॉन्ग टर्म में मेरा मीनिंग होता है 15 साल से ज्यादा जब आप कोई इन्वेस्टमेंट करते हैं तब आपको क्या रिटर्न मिल सकता है, उसकी संभावना कितनी है वो बढ़ जाती है। तो यहां पे जो रिटर्न है मैंने एक्सपेक्टेड लिया है 15%, लेकिन आपने अगर मेरा पुराने वीडियो का जो रिव्यू है वो अगर आपने देखा होगा, मैं जिसमें मैंने बेस्ट मिड कैप, बेस्ट स्मॉल कैप, बेस्ट ELSS फंड और बेस्ट लार्ज के फंड का जो रिव्यू किया है, उसमें ऐसे कई फंड्स हैं जिसने 20% से ज्यादा का रिटर्न जनरेट करके दिया है लॉन्ग टर्म के लिए। तो ऐसे म्यूचुअल फंड की हम लोग बात कर रहे हैं, लॉन्ग टर्म की बात कर रहे हैं, 15% रिटर्न के साथ में अगर आगे बढ़ते हैं तो SWP के लिए आपको कितना परसेंट यहां पे पैसा चुनना चाहिए। अब देखिए दोस्तों, यहाँ पे आपका दो गोल हो सकता है, एक तो आप लमसम करके उसमें से एक रूटीन, एक जनरल आई जो है सैलरी जो है वो लेना चाहते हैं एवरी मंथ, और आपको ये परवाह नहीं कि आपका जो कॉर्पस है वो बढ़ना चाहिए, अगर उतना का उतना रहे तो भी ठीक है और अगर हल्का सा बढ़ता है तो भी ठीक है, तो उसको बोलते हैं एग्रेसिव SWP। अगर एग्रेसिव SWP करनी है आपको तो जितना एक्सपेक्टेड रिटर्न आपको SWP से मिलना है उतना पूरा रिटर्न का आप SWP करा लीजिए। अगर 15% आप पकड़ना है तो 15% का SWP करा लीजिए, वो एक एक बोल सकते हैं कि एग्रेसिव SWP हो जाएगा। लेकिन अगर आप चाहते हैं कि आप एक मंथली आई भी लेते रहें और आपका कॉर्पस भी धीरे 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 बढ़ता रहे, उसको भी हानि ना हो, तो आपको ये दो चीज फॉलो करनी चाहिए। तो लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर्स के लिए यहाँ पे दो चीज है, SWP यहाँ पे आप देखेंगे तो 7% से लेके 10% तक की आप SWP कर सकते हैं। 7% वो लोगों के लिए जिसको मंथली आय ज्यादा नहीं चाहिए बट कॉर्पस भी बढ़ना चाहिए, थोड़ा अमाउंट मिलना चाहिए, और 10% थोड़ा सा एग्रेसिव है, 10% वो लोगों के लिए है जो जिसको थोड़ा सा अच्छा SWP का इनकम चाहिए और साथ में कॉर्पस भी धीरे धीरे बढ़ना चाहिए। दोनों का कंपैरिजन करके बताऊंगा कितना रुपया आपके हाथ में आएगा और साथ में कितना कॉर्पस वैल्यू आपका बढ़ेगा। तो यहां पे SWP की अमाउंट जो आती है वो 7% पे आती है 4,080 रुपए और 10% पे आती है 5,800 रुपीज। चलिए अब इसका दोनों का हम लोग कंपेरिजन देखते हैं। तो यहां पर अगर आप देखेंगे 5 साल पे, यहाँ पे अगर 4,080 रुपए के हिसाब से अगर आप SWP कराते हैं 7 लाख रुपए की, तो आपका टोटल कॉर्पस बनेगा 10.5 लाख रुपए 5 साल के बाद में, और आपका टोटल विड्रॉल हो जाएगा 2,44,000। जबकि 5 साल पे अगर 5,080 करवाते हैं तो आपका यहाँ पे टोटल कॉर्पस 9 लाख ही बचेगा और आपका टोटल विड्रॉल हो जाएगा 3,48,000 रुपए। यानी कि आप देखेंगे टोटल विड्रॉल जो है आपने यहाँ पे ज्यादा कर लिया, इसके चलते आपका कॉर्पस जो है वो यहाँ से 1.5 लाख रुपए कम हो गया। तो इसी हिसाब से आप यहाँ पे सारे जो अलग अलग होरिजोन में क्या रिटर्न मिल रहा है वो आप देख सकते हैं, और इसका स्क्रीनशॉट भी आप लास्ट में ले लेना। बट यहाँ पे आपको मैं ये बोलने की कोशिश कर रहा हूँ कि अगर आप यहाँ पे लॉन्ग टर्म के लिए 20 साल तक अगर आप इन्वेस्ट करते हैं तो आप यहाँ पे एक चीज थोड़ी सी नजर डालिए कि आपका यहाँ पे टोटल विड्रॉल 20 साल पे 4,080 रुपए की SWP पे हो जाएगा ऑलमोस्ट 9.8 लाख रुपीज, और बैलेंस कॉर्पस आपके पास बच जाएगा 61 लाख रुपीज। और जबकि आप अगर 10% पे एग्रेसिव पे थोड़ा सा एग्रेसिव बन के 5,800 रुपए की SWP करते हैं तो यहां पे आपका टोटल कॉर्पस जो बच जाता है 38 लाख रुपए हो जाता है और आपका टोटल विड्रॉल हो जाता है 14 लाख रुपए। तो आप यहां पे देख सकते हैं कि मैंने सिर्फ 1,800 रुपए ज्यादा मैं अगर निकालता हूं तो मेरा 20 साल के बाद में कॉर्पस ऑलमोस्ट डबल जो है वो हो जाना चाहिए था, लेकिन नहीं हुआ क्योंकि मैंने 1,800 रुपए ज्यादा SWP से निकाले और मुझे अराउंड 22 लाख 23 लाख रुपए का
यहाँ पे कम जो कॉर्पस है वो देखने को मिला। तो चलिए अब शॉर्ट टर्म की भी बात कर लेते हैं। शॉर्ट टर्म का मीनिंग होता है 5 साल से कम इन्वेस्टर्स, जो इन्वेस्टर्स 5 साल से कम अपना पैसे को लमसम में इन्वेस्ट करना चाहते हैं और SWP कराना चाहते हैं, ऐसे इन्वेस्टर्स शॉर्ट टर्म के लिए यहाँ पे कैलकुलेशन देख सकते हैं। 7 लाख रुपये 5 साल से कम इन्वेस्टमेंट पीरियड रहेगा और यहाँ पे जो है वॉलेटिलिटी आपको ज़्यादा देखने को मिलेगी, जबकि लॉन्ग टर्म में रिटर्न की जो वॉलेटिलिटी है, उतार चढ़ाव जो है यहाँ पे कम देखने को मिलता है, स्टेबिलाइज हो जाता है। लेकिन शॉर्ट टर्म में आपको ज़्यादा उतार चढ़ाव देखने को मिलेगा, कभी आपको माइनस में भी रिटर्न जा सकता है, कभी आपका प्लस 15% भी जा सकता है, 20% भी जा सकता है। तो यहाँ पे जो वॉलेटिलिटी है शॉर्ट टर्म में ज़्यादा देखने को मिलेगी, इसी हिसाब से हम लोग यहाँ पे जो एक्सपेक्टेड रिटर्न है वो कम पकड़ रहे हैं। लॉन्ग टर्म के हिसाब से हम लोग पकड़ रहे सिर्फ 10% रिटर्न, जबकि आपको ज्यादा भी मिल सकता है, डिपेंड करता है मार्केट कैसा रहता है। तो 10% के हिसाब से SWP मेरे हिसाब से आता है 50% से 70%, मतलब 5% से लेके 7% की SWP आपको करानी चाहिए। तो SWP की अमाउंट आती है 2,910 रुपये 5% के हिसाब से और आती है 4,080 रुपये 7% के हिसाब से। चलिए दोनों को भी हम लोग यहाँ पे कंपेयर करके देख लेते हैं। तो आप यहाँ पे पूरा जो ये है आप देख लीजिएगा, स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा, लेकिन आपको यहाँ पे ओवरऑल अगर आप देखें 7 साल के होरिजोन के अंदर, मैं यहाँ पे ऐसा पकड़ा हुआ है कि 5 साल पे भी आपको ऐसा फील हुआ कि नहीं अभी मुझे और 2 साल एक्सटेंड करनी है, तो उस हिसाब से अगर 7 साल पे भी आप देखते हैं तो यहाँ पे टोटल कॉर्पस में जो डिफरेंस है वो देखिए, आपने टोटल विड्रॉल यहाँ पे किया 2,44,000 और यहाँ पे किया 3,42,000, ऑलमोस्ट 1,00,000 रुपये आपने यहाँ पे ज़्यादा विड्रॉल किया। इसके साथ बैलेंस कॉर्पस में कितना फर्क हुआ आप देख सकते हैं, यहाँ पे 10,17,000 रुपये बच गए और यहाँ पे 8,78,000 रुपीज, ऑलमोस्ट अगर आप देखेंगे तो 1,50,000 रुपये का आजू बाजू यहाँ पे फर्क आया, 1,00,000 कम निकाला, यहाँ पे 1,50,000 रुपये आपका टोटल कॉर्पस में लॉस हुआ। तो ये चारों जो यहाँ पे कंपैरिजन आपको दिखाई है, अभी ये आपको नक्की करना है कि आपको शॉर्ट टर्म के लिए इन्वेस्ट करना है अपना पैसा, लॉन्ग टर्म के लिए इन्वेस्ट करना है। अगर शॉर्ट टर्म के लिए करना है तो आपको एग्रेसिव SWP करानी है या फिर आपको एक रूटीन SWP करानी है, आपको मतलब कॉर्पस भी आपको बढ़ाना हुआ चाहिए। तो यहाँ पे आई थिंक मैंने यहाँ पे आपको सारी चीज़ क्लियर कर दी। अब ये 7 लाख रुपए हो या 10 लाख रुपए हो, आप यहाँ पे सिर्फ फिगर चेंज कर दीजिए और आप ये जो परसेंटेज है उस हिसाब से आप SWP का अमाउंट भी नक्की कर सकते हैं आपके पर्सनल पोर्टफोलियो के लिए। अब बात करते हैं SWP के लिए कौन से फंड सही है, ये बहुत लोग मुझे क्वेश्चन में पूछते हैं। तो यहाँ पे जैसा कि मैंने शुरुआत में बताया था, मैंने बहुत सारे फंड का रिव्यू किया है और वो ऐसे फंड है जो वो कैटेगरी में सबसे बेस्ट फंड है और वो बेस्ट फंड में आप इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं। अगर आप लॉन्ग टर्म के लिए इन्वेस्ट करना चाहते हैं तो थोड़ा सा अमाउंट जो स्मॉल के फंड है, जो बेहतर स्मॉल के फंड है, वो स्मॉल के फंड के अंदर में थोड़ा सा अमाउंट आप बढ़ा के रख सकते हैं। लेकिन शॉर्ट टर्म के लिए आपको अपना ज़्यादातर पैसा लार्ज कैप के अंदर ही रखना चाहिए, क्योंकि वहाँ पे आपको जो वॉलेटिलिटी है वो कम देखने को मिलती है, प्लस आपका रिस्क जो है वो भी थोड़ा सा कम रहता है स्मॉल कैप के हिसाब से। तो वो जो फंड है उसमें टोटल मैंने 12 फंड बताए हैं, स्मॉल कैप, लार्ज कैप, मिड कैप, ELSS एंड फ्लेक्सी कैप, ये सब मिला के। तो उसमें से आप अच्छे वाले फंड चूज कर लीजिए SWP के लिए, और आप वो डिपेंड करता है टोटली कि आप लॉन्ग टर्म के लिए करना चाहते हैं, शॉर्ट टर्म के लिए करना चाहते हैं। अगर उसके ऊपर आप अलग से वीडियो चाहते हैं तो उसके ऊपर भी एक वीडियो अलग से लेकर के आऊँगा। ये वीडियो में बस इतना ही, आशा करता हूँ ये वीडियो में आपको कुछ अच्छा मज़ेदार सीखने को मिला होगा, पसंद आया होगा तो लाइक कर देना, साथ में चैनल को सब्सक्राइब कर देना ऐसे ही मज़ेदार वीडियोज़ के लिए। मिलता हूँ आपको और किसी नए वीडियो में, तब तक स्टे हेल्दी, स्टे इन्वेस्टेड, गुड बाय एंड जय हिंद।